तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि हाइलोंगशेंग किंगडम के कई सारे लोग नोटिस बोर्ड की तरफ आते हैं, जहां से उन्हें पता चलता है कि उनके किंगडम के 3 लोग जीनियस बैटल के फर्स्ट राउंड में सेलेक्ट हो गए हैं, जिनमें से एक वो ग्रैंडपा का स्टूडेंट भी था। तो उन तीनों को सेलेक्ट देखकर हाइलोंगशेंग किंगडम के लोग खुश हो जाते हैं। इधर हम मैक्स, दोनों मास्टर्स और मैक्स की फैमिली को देखते हैं, जो सब सेलेक्ट होने की खुशी में पार्टी कर रहे थे। जहाँ पार्टी में मैक्स के दोनों बच्चे बार बार बेकरऑल को परेशान कर रहे थे क्योंकि वो उन्हें अच्छा लगता था। साथ ही मैक्स के फादर डांस कर रहे थे, लेकिन तभी मास्टर होंग चुपचाप उस पार्टी से निकलकर अकेले बैल्कनी में खड़े होकर आसमान को देखने लगते हैं, जिस बात को मास्टर ली शेंग भी नोटिस करके उनके पास आ जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप क्या सोच रहे हो। ये सुन के मास्टर होंग कहते हैं कि ये यूनिवर्स काफी बड़ा है, जिसमें काफी ताकतवर वॉरियर्स हैं, जिनसे लड़ने के लिए कॉन्टिन्यूसली इवॉल्व होना बहुत जरूरी है, जो तुम और मैक्स काफी अच्छे से कर पा रहे हो, क्योंकि मैक्स के पास बबाता है जो उसे उसके मास्टर की बताई ट्रेनिंग देती है, और अब तो तुम्हें भी मिस्टर वू मिल चुके हैं जो तुम्हें अपने मास्टर की ट्रेनिंग देता है। लेकिन मेरे पास कोई भी टीचर नहीं है जो मुझे गाइड कर सके, इसलिए मुझे अक्सर लगता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी ट्रेनिंग बहुत पीछे रह जाएगी और मैं तुम दोनों से काफी पीछे हो जाऊंगा। ये सुनके मास्टर ली शेंग मास्टर होंग के कंधे पे हाथ रख के उन्हें हौसला देते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ हम जियांग और उसके बॉस को देखते हैं, जहां जियांग का बॉस मैक्स और दोनों मास्टर की प्रोफाइल को देखकर कहता है कि इन तीनों को देखकर मुझे मेरे दोस्तों की याद आ जाती है, जो इस वक्त इमोर्टल लेवल पर पहुंच गए हैं और मैं अभी भी वर्ल्ड मास्टर लेवल पर ही रह गया हूँ। ये सुनके जियांग अपने बॉस से कहते हैं कि आप वर्ल्ड मास्टर के हाईएस्ट स्टेज पर हो, इसकी वजह से कोई भी इस लेवल पर आपसे पंगा नहीं ले सकता, और अगर आप थोड़ा और फोकस करो तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप भी इमोर्टल लेवल पर पहुंच जाओगे। ये सुनके वो बॉस कहता है कि तुम सही कह रहे हो, पर मेरे पास समय बहुत कम रह गया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी टेक्निक्स अपने किसी स्टूडेंट को सिखा दूँ ताकि मेरी इतनी मेहनत जाया ना जाए। ये सुनके जियांग अपने बॉस से कहता है कि मैक्स और ये दोनों मास्टर्स 3X माउंटेन के ही मेंबर है, जिसे मेरे स्टूडेंट मिंग यू ने रिकमेंड करा था, इसलिए आप इन्हीं में से किसी को अपने स्टूडेंट के तौर पर क्यों नहीं चुन लेते। अब जियांग अपने बॉस को एक एक कर उन तीनों की काबिलियत बताने लगता है, जहां वो सबसे पहले बताता है कि मैक्स ने जीनियस बैटल के फर्स्ट राउंड में 51 रैंक हासिल करी है। इसके बाद वो मास्टर ली शेंग के बारे में बताता है कि वैसे तो मास्टर ली शेंग सेलेक्ट नहीं हुए हैं, पर अगर रोंग जुन उनके सामने ना होता तो वो भी सेलेक्ट हो जाते। इसके बाद वो मास्टर होंग के बारे में बताते हैं कि होंग ने 999 रैंक हासिल करी है और ये डोमेन बनाने में काफी अच्छा है। तो उन तीनों के बारे में सुनके जियांग का बॉस होंग को ही लगातार देखने लगता है। इस तरफ हम एक प्लैनेट पर मैक्स को ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं, क्योंकि उसे लग रहा था कि भले ही उसने फर्स्ट राउंड क्लियर कर लिया है, पर अगले राउंड में उसे सब स्ट्रॉन्ग अपोनेंट मिलेंगे, जिसकी वजह से उसे गॉडली आर्मामेंट शुरुआत से ही इस्तेमाल करना होगा। उसी वक्त मैक्स को कोशन बेदी की वीडियो कॉल आती है, जो मैक्स को कॉन्ग्रेचुलेट करके कहता है कि मैंने तुम पर काफी पैसा लगाया था, जिसकी वजह से मैंने बहुत पैसे कमा लिए और अब मुझे प्लैनेट लेने के लिए अपने फादर के ऊपर डिपेंड नहीं रहना होगा, क्योंकि मैंने खुद का प्लैनेट खरीद लिया है। साथ ही कोशन ने सुंदर सुंदर स्लेव्स भी खरीद ली थी, जो लगातार उसकी सेवा करने में लगी हुई थी। तो मैक्स उसे प्लैनेट लेने के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करके फोन काट कर कहता है कि ये कभी नहीं सुधरेगा। तभी मैक्स को मास्टर होंग की वीडियो कॉल आती है, जो उसे जल्दी से वर्चुअल यूनिवर्स में एक जगह पर आने को कहते हैं, क्योंकि उनसे मिलने कोई आया था। तो मैक्स दोनों मास्टर्स और अपने सारे सर्वेंट्स के साथ वहां पहुंच जाता है, जहां वो देखता है कि वो गेस्ट और कोई नहीं बल्कि 9 प्रिंसेस थी। अब 9 प्रिंसेस को देखकर उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। तो 9 प्रिंसेस बोलती है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, ये बस वर्चुअल यूनिवर्स है, इसमें मैं तुम्हें कुछ नहीं कर सकती। इसके बाद 9 प्रिंसेस चेयर पर बैठकर मैक्स से कहती है कि मैं हाइलोंगशेंग किंगडम के राजा का मैसेज लेकर यहाँ आई हूँ। तो मैक्स ये सुनके सामने वाली चेयर पर बैठ जाता है, जिसके बाद 9 प्रिंसेस उससे कहती है कि राजा ने ये आदेश दिया है कि जो भी आने वाली एरेना बैटल में सेलेक्ट हो जाएगा उसे हाइलोंगशेंग किंगडम प्राइजेस देगी, पर इसमें सिर्फ जीनियस बैटल के सेलेक्ट हुए वे ही कैंडिडेट्स लड़ सकते हैं, इसलिए इसमें मैक्स और होंग के साथ साथ मेरे ग्रैंडपा का स्टूडेंट भी होगा। ये सुन के मैक्स उससे पूछता है कि तो इसका मतलब जो भी प्राइज जीतेगा वो हम तीनों में से ही कोई होगा, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम ये राजा का मैसेज हमें क्यों बता रही हो, क्योंकि हम तो तुम्हारे अपोनेंट हैं।
इस पे नाइन प्रिंसेस कहती है कि रॉयल मैसेज सबके पास जाना चाहिए क्योंकि यही रॉयल मैनर्स होते हैं जिसमें सभी वॉरियर्स का सम्मान किया जाता है। पर सिर्फ यही रीजन नहीं है कि मैं तुम्हें ये बता रही हूँ, इसका प्राइस भी काफी शानदार है जो कि है मिल्की वे गैलेक्सी। ये सुन के मैक्स और दोनों मास्टर्स हैरान हो जाते हैं। तभी मैक्स बबाता से पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। इस पे बबाता कहती है कि मिल्की वे गैलेक्सी हाइलंगशेंग किंगडम का 1/10 हिस्सा है, इसलिए ये बहुत बड़ा प्राइस है, पर मुझे कुछ गड़बड़ी लग रही है क्योंकि कोई इतना बड़ा प्राइस क्यों ही देगा। ये सुन के मैक्स सोचता है कि बबाता सही कह रही है कि यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है, नहीं तो नाइन प्रिंसेस को द्राजा का मैसेज लेकर यहाँ नहीं आती। तभी मास्टर हॉन्ग नाइन प्रिंसेस से कहते हैं कि अर्थ भी मिल्की वे का पार्ट है, तो क्या इसे भी प्राइस के तौर पर दे दिया जाएगा। ये सुन के नाइन प्रिंसेस कहती है कि मिल्की वे में 2,10,000 प्लैनेट्स हैं और अर्थ बस उनमें से एक है, तो इसे कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, इसलिए अर्थ भी प्राइस के तौर पर दिया जाएगा। ये सुन के मास्टर ली शेंग नाइन प्रिंसेस से गुस्से में कहते हैं कि हाइलंगशेंग किंगडम में 8,000 से ज्यादा गैलेक्सी है, तो प्राइस के लिए मिल्की वे को ही क्यों चुना जा रहा है। इस पे नाइन प्रिंसेस कहती है कि प्राइस राजा और उनके मेंबर्स डिसाइड करते हैं और उन मेंबर्स में मेरे ग्रैंडपा भी है, तो तुम समझ चुके होगे कि मिल्की वे को प्राइस के तौर पर क्यों चुना जा रहा है। ये सुन के मैक्स और मास्टर ली शेंग को गुस्सा आने लगता है। इधर बबाता कहती है कि मिल्की वे को लूज करना मतलब अर्थ को गंवाना है। इस पे मिस्टर वू कहते हैं कि नाइन प्रिंसेस ने जानबूझकर ये चाल चली है ताकि वो अर्थ को हत्या सके। ये सुन के बबाता को भी गुस्सा आने लगता है, पर वो मैक्स से कहती है कि फिलहाल के लिए तुम ये बात टालने की कोशिश करो क्योंकि जीनियस बैटल के बाद हम ये सब आराम से सॉर्ट आउट कर पाएंगे। ये सुन के मैक्स नाइन प्रिंसेस से कहता है कि राजा ने हमें मैसेज देने के लिए काफी मेहनत करी है, पर अभी हमें जीनियस बैटल पर फोकस करना है, इसलिए हम मिल्की वे के बारे में नहीं सोच सकते, पर जीनियस बैटल खत्म होने के बाद हम जरूर इस पे डिस्कस कर सकते हैं। इस पे नाइन प्रिंसेस कहती है कि मैं समझ रही हूँ कि तुम बस टाइम लेने की कोशिश कर रहे हो, पर तुम्हारी ये टेक्निक बार बार काम नहीं आएगी क्योंकि अगर तुम इसमें इंटरेस्टेड नहीं हो तो मिल्की वे गैलेक्सी आराम से हमें मिल जाएगी। ऊपर से अगर तुम इस ऑर्डर को नहीं मानते तो ये डायरेक्ट राजा के खिलाफ जाना माना जाएगा, जिसके लिए तुम्हें गुलाम बनाया जा सकता है। ये सुन के मैक्स बोलता है कि अगर हम ये ऑर्डर्स मान के मिल्की वे जीत गए तो तुम्हारा राजा अपने इरादे से मुकरेगा तो नहीं। ये सुन के नाइन प्रिंसेस को गुस्सा आने लगता है कि मैक्स उसके सामने इतने रोब से बात कर रहा है। तभी मैक्स कहता है कि मैं ये फाइट लड़ने के लिए तैयार हूँ। ये सुन के नाइन प्रिंसेस गुस्से में वहाँ से जाते हुए कहती है कि सब कुछ फाइट में ही पता चल जाएगा कि कौन हारने वाला है। तो नाइन प्रिंसेस को जाता देख मैक्स उससे कहता है कि तुम थोड़ा संभल कर चलना, कहीं ठोकर खाकर तुम मर न जाओ। ये सुन के नाइन प्रिंसेस गुस्से में मैक्स से कहती है कि तुम्हें थोड़े दिन तक जितनी खुशी मनानी है मना लो, क्योंकि कुछ समय बाद मिल्की वे का नया मालिक आएगा और सारे पृथ्वीवासी उसके गुलाम बन के रहेंगे। तो उसके जाने के बाद मैक्स बबाता से पूछता है कि एरिना बैटल में कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं। इस पे बबाता कहती है कि इसमें वही लोग पार्टिसिपेट करते हैं जो जीनियस बैटल के फर्स्ट राउंड में सेलेक्ट हुए हो। इसे जीतना तुम्हारे लिए मुश्किल है, पर इसे तुम्हें जीतना ही होगा क्योंकि इसके बिना तुम अर्थ को हाथ से गवा दोगे। दूसरी तरफ हम नाइन प्रिंसेस को देखते हैं जो बैल्कनी में बैठी हुई थी। तभी नोलेंसन होलोग्राम के थ्रू उससे बात करता है और उससे कहता है कि हाइलंगशेंग किंगडम के सिर्फ 3 लोग एरेना मैच में पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें 2 तो मैक्स और उसका दोस्त ही है। तो तुम्हें क्या पक्का यकीन है कि तुम्हारे ग्रैंडपा का वो स्टूडेंट मिल्की वे गैलेक्सी जीत जाएगा? जिस पे नाइन प्रिंसेस कहती है कि ये बैटल ग्रुप्स में होती है, जहाँ फर्स्ट ग्रुप के कैंडिडेट्स की लिस्ट आ गई है जिसमें होंग और मेरे ग्रैंडपा का स्टूडेंट नाबिनी भी है। पर जीनियस बैटल में होंग की रैंक 999 आई थी जबकि नाबिनी की 223, इसलिए नाबिनी होंग को तो बड़े आराम से हरा देगा। और मैक्स भी दूसरे राउंड में किसी न किसी जीनियस वॉरियर से हार जाएगा, इसलिए तुम चिंता मत करो। इधर उस राउंड के कैंडिडेट्स की लिस्ट देखकर मास्टर ली शेंग मास्टर होंग से कहते हैं कि सबसे पहले तुम लड़ने वाले हो, इसलिए अच्छे से लड़के मैक्स के लिए एक टारगेट सेट कर देना। तभी मैक्स भी मास्टर होंग से कहता है कि नाबिनी आपके ग्रुप में है, इसलिए वो मिल्की वे हासिल करने के लिए अपनी पूरी जान लगा देगा, इसलिए आप ध्यान से खेलना। तो मास्टर होंग ये बात मान के बैटल के लिए चले जाते हैं। अब बैटल वाला दिन लाइव स्ट्रीम करा जाता है, जिसे मैक्स की फैमिली जियांग और उसका बॉस नाइन प्रिंसेस कोशन बेदी और बहुत सारी ऑडियंस देख रही थी, जो टोटल मिला के 1 बिलियन लोग थे।
इधर मास्टर होंग बाकी कैंडिडेट्स के साथ लॉबी में थे, जहां नाबिनी उनकी तरफ ही देखे जा रहा था। साथ ही वहां मोचे और बाकी लोग भी थे। तभी वहां होस्ट आ जाता है, जिसे देखकर ऑडियंस खुश हो जाती है, क्योंकि मैच स्टार्ट होने वाला था। अब होस्ट उन सबको एक जगह टेलीपोर्ट करके कहता है कि आज तुम सब में से सिर्फ 10 लोग ही इस राउंड को क्लियर करोगे। ऊपर से जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, इस एरेना का साइज भी छोटा होता जाएगा, इसलिए सब सतर्क रहना। इधर हम नाबिनी को देखते हैं, जो मास्टर होंग की लोकेशन ढूंढ रहा था। जहां लोकेशन मिलते ही वो मास्टर होंग की तरफ बढ़ने लगता है। इधर मोचे अपनी टीम के साथ रोंग जुन के पास आ जाता है और एक साथ उस पे हमला कर देता है, लेकिन रोंग जुन अकेला ही उनसे निपट रहा था, जहां लगातार वो एक एक करके उन्हें मारे जा रहा था। तभी मोचे अपने डोमेन का इस्तेमाल करके रोंग जुन पर हमला करता है, लेकिन उस ग्रेविटी डोमेन का रोंग जुन पर ज्यादा असर नहीं होता और वो खड़ा होते हुए मोचे को जोरदार मुक्का मारता है, जिससे मोचे दूर जाके गिरता है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।